देखिए जो आपके ओडी का टेस्ट हुआ था उसका सोल्यूशन आपको करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू थ्री वाई रेज टू पावर टू बाई थ्री एंड वाई एट द पॉइंट जीरो जिकोस टू जीरो इज एन इंटरवल अराउंड टी जिक्वस टू जीरो हैज नो सोल्यूशन अ यूनिक सोल्यूशन फाइनाइटली मेनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ठीक है तो इसके सोलूशन के बारे में आपको डिस्कस करना है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ठीक है कहता है कि यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू आपकी प्रॉब्लम होती है उसके पास आपका ऑलवेज या तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोलूशन होते हैं या फिर यूनिक सोलूसन होता है यहाँ पे आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे नो no सोलूशन हो जाए ठीक है दो ही आंसर आएंगे या तो आपका इनफाइनाइट सोलूशन या फिर आपका यूनिक सोलूसन ओके यहाँ पे कहता है dy वाई बाई डी एक्स इज ओक्व टू थ्री वाई रेस्ट टू पावर टू बाई थ्री वाई एट द पॉइंट जीरो जीकोस टू जीरो यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेते हैं लेट वाई ऑफ एक्स इज इक्व टू जीरो इसके अकॉर्डिंग ये जो है इसका एक सोल्यूशन है सोल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा इसको तो कर ही रहा है और इसको भी करेगा इसका जो है जीरो है डिफ्रेंसिएशन करेंगे जीरो आएगा ठीक है राइट साइड में आएंगे तो टू इंटू थ्री इंटू जीरो तो थ्री इंटू जीरो करने से आपको क्या मिलेगा जीरो मिलेगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है ये, ये वाई एक्स इज टू जीरो इसका एक सोल्यूशन है ठीक है नेक्स्ट जो है इसके सोल्यूशन जैसे आप फाइंड आउट करते हैं वैसे कीजिए अप ऑन वाई रेस्टू पावर टू वाई थ्री इज टू थ्री इंटू डी एक्स ये आपको इंटीग्रेशन करना है ठीक है इंटीग्रेशन के बाद ये आपका कांस्टेंट सी आएगा ये आपको मिलेगा माइनस टू बाई थ्री प्लस वन अपॉन माइनस टू बाई थ्री प्लस का वन ए जिकोस टू थ्री एक्स प्लस सी वाई रेस्ट पॉल थ्री माइनस टू वन बाई थ्री और यहाँ से आपको जो है ऊपर आपको ये मिल जाएगा एजिकोस टू थ्री एक्स प्लस यहाँ पर कॉन्स्टेंट को थ्री से डोट कर दीजिए ताकि आप इसको रिमूव कर सकें ठीक है बोथ साइड से कांस्टेंट है

एक्स स्क्वायर ठीक है और ये आपको मिल रहा है थ्री वाई वाई की वैल्यू क्या है एक्स की पावर थ्री एक्स की पावर थ्री इंटू टू बाई थ्री थ्री से थ्री आपका कैंसल है थ्री एक्स स्क्वायर यस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है मतलब ये भी हमारा एक सोल्यूशन आ रहा है और ये भी सोल्यूशन है इसका मतलब दो सोल्यूशन आ गया तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास दो सोल्यूशन नहीं बल्कि कितने सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइटली मेनी सोलूशन होंगे ठीक है कितने सोल्यूशन होंगे मेनी सोल्यूशंस इट हैज इन्फाइनाइट मैनी सोल्यूशंस या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन ठीक है अब यह क्वेश्चन कैसा है पार्ट बी का है या फिर पार्ट सी का है ठीक है क्वेश्चन तो आपका है पार्ट सी का कहता है कि नो सोल्यूशन जीन इसके पास सोल्यूशन तो है फर्स्ट को तो हम किसी भी कंडीशन पे इसको बोल नहीं सकते कि ट्रू है सेकेंड में कहता है आई यूनिक सोल्यूशन इसके पास ओनली वन सोल्यूशन है ठीक है इसका मतलब तो ये है जी नहीं इसके पास तो दो सोलूसन है और इससे ज़्यादा भी सोलूशन हो सकता है ठीक है कहता है यूनिक सोलूसन जी नहीं थर्ड में कहता है फाइनाइटली मेनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इसके ऊपर जाने से पहले फोर्थ ऑप्शन पे आइए इनफाइनाइटली मेनी लीनियरली इंडिपेंडेंट सोलूसन हाँ इसके पास अभी हमने देखा कि दो सोल्यूशन है तो इसके बिहार पे हम ये बोलते हैं कि इसके पास दो सोलूशन नहीं बल्कि कितने सोलूसन है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूसन किसी भी सिस्टम के पास जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं तो उसके पास फाइनाइट सोलूसन तो है ठीक है दैट मीन्स किसी के पास जो है एग्जाम्पल छोड़िए इसके पास क्या इनफाइनाइट सोल्यूसन है और इनफाइनाइट है तो उसके अंदर जो फाइनाइट टर्म है वो तो इंक्लूड है इसका मतलब इसके पास फाइनाइट मेनी सोल्यूशंस भी हैं और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस भी हैं तो यहां से आपका जो ट्रू ऑप्शन है वो कौन कौन सा होगा आपका थर्ड और फोर्थ दोनों के दोनों ऑप्शन आपके ट्रू ऑप्शन होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है कंसीडर द सॉल्यूशन ऑफ ओ डी वाई डी जीकोल टू माइनस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू वाई जीरो जीकोस टू वाई नोट बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल जीरो टू टू देन लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई टी बिलोंग्स टू किस इंटरवल के अंदर बिलोंग करेगा ठीक है ये बताना है आपको देखिए करते हैं इसको भी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई और ये y एट द पॉइंट जीरो जी कोस स्टू वाई नोट जो कि बिलोंग करता है जीरो टू टू में और यहाँ पे मान लीजिए कि a है y एट द पॉइंट जीरो पे जो वैल्यू आ रही है वो आपकी ये है a जो वैल्यू है आपकी ग्रेटर देन जीरो लेस देन टू इसके बीच में लाई करती है ठीक है जीरो और टू के बीच में लाई करती है ओके अब यहाँ पे वाई जीरो की वैल्यू ए है ठीक है अब वाई नोट से आपको प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए आपने अपने अकॉर्डिंग रखा है कॉन्स्टेंट की वैल्यू और जो कि कॉन्स्टेंट कहाँ से है जीरो टू के बीच में लाई करता है ठीक है अब इसको जो है पार्सल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कीजिए डी वाई या यहाँ से आपको मिलेगा वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर माइनस का टू वाई एजिक टू यहाँ पे माइनस का डी एक्स हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे जो है आप y कॉमन ले लीजिए y आप कॉमन लेंगे तो आपको वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस का टू एजिक टू माइनस डी एक्स ठीक है इसका आप पार्सियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ से जब आप पार्शियल फ्रैक्शन इसका करते हैं तो ये आपको वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू इसका क्या मिलेगा इसका आपको मिलेगा वाई स्क्वायर वन क्या इस माइनस वन क्या इसका एक सलूशन होगा वन और ये आपका पॉजिटिव का वन ठीक है माइनस वन इसका एक सोल्यूसन है ठीक है ये आपका वन माइनस वन माइनस टू स्टार्टिंग जीरो से सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज कीजिए और इसके रूट निकालिए ठीक है थीके? और यहाँ से आपको वन और जीरो वन आएगा मल्टीप्लाई बाई माइनस वन माइनस का वन ऐड करेंगे माइनस का टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन पॉजिटिव का टू माइनस टू प्लस टू आपको जीरो मिलेगा मतलब इसका जो फैक्टर आने वाला है वो क्या होगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू इजिक्वल टू जीरो इसका एक फैक्टर है अब ये वाई के टर्म में है तो हम वाई के टर्म में ही लिखेंगे ठीक है तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या डी वाई अपॉन वाई इन टू वाई प्लस वन और वाई माइनस टू अब इसका जब आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो वन बाई वाई प्लस वन upon वाई प्लस वन प्लस वन अपॉन वाई माइनस टू अलग अलग करेंगे ए upon दिस b अपॉन दिस एंड सी अपॉन दिस ठीक है ये आपको मिलेगा वन बाई वाई वाई प्लस वन और ये वाई माइनस टू ठीक है अब ये देखिए ट्रिक है टेक्निक है कैसे वाई जी कोस टू जीरो वाई कोस टू जीरो से इसके लेफ्ट साइड में किसके किसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है इस टर्म में तो प्रॉब्लम आ रही है इसमें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है रखिए वैल्यू जिसमें प्रॉब्लम आ रही है उसमें वैल्यू ही मत रखिए ठीक है तो यहाँ से जीरो रखेंगे ये वन आएगा ये आपका माइनस टू वन वैल्यू माइनस का वन बाई टू माइनस वन b की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर डिनोमीटर को जीरो कीजिए y जी कोस टू माइनस का वन माइनस वन पुट करने से सेकेंड टर्म में प्रॉब्लम आएगी और यहाँ से जो है आपको माइनस वन माइनस वन माइनस टू आपको वैल्यू मिलेगी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस का थ्री ये वैल्यू आएगी आपको पॉजिटिव का वन बाई थ्री इन टू दिस ठीक है c की वैल्यू निकालनी है y जी कोस टू टू आएगा टू रखेंगे तो इसके थर्ड टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसलिए इसको रिमूव करेंगे रखेंगे नहीं इसमें और यहाँ से आपको जो है टू टू प्लस वन ये आपका टू और ये आपको टू वन थ्री थ्री टू जा सिक्स और ये आएगी सी के वैल्यू वन बाई सिक्स और जो आता है आंसर उसको बाई में लिखा जाता है ठीक है ये तो आपके पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग रहा और ये डी वाई है चलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन डी वाई इंटीग्रेशन डी वाई इंटीग्रेशन डी वाई, वाई ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट अब इसके राइट साइड में भी क्या था राइट साइड में आपका माइनस का dx था ठीक है इसको भी कीजिए रिमूव ये आपको क्या मिलेगा ये आपको मिलेगा माइनस का वन बाई टू लोग वाई प्लस वन बाई थ्री लोग वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी ठीक है अब यहां पे देखिए लोग के अंदर है जो भी टर्म में आएंगी यहां से जब आप वाई ऑफ एक्स टू सोल्व करते हुए निकालेंगे तो एक्सपोनेंशियल पावर में आएगी माइनस एक्स प्लस का सी यही तो आएगी एक्सपोनेंशियल के पावर में जाएगी और एक्सपोनेंशियल के पावर में जाएगी जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे क्या है लिमिट क्या है लिमिट आपकी जो है टी टेंस टू यहां पर टी के टर्म में है क्या है t के टर्म में है तो ठीक है तो यहां पे हम क्या कर देते हैं के टर्म में लिख देते हैं ठीक है अभी कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी तो आपको इवेल्युएट करनी है कॉन्स्टेंट की वैल्यू इवेलुएट करनी है तो यहां से जो है जीरो और टू के बीच में वन ले लीजिए क्या है जीरो और टू के बीच में वन ले लीजिए लाग एम प्लस एन क्या होता है लोग एम इन टू एन तो ये आपका लोग वाई हो जाएगा ठीक है और ये आपका जो है लोग एम माइनस एन लोग एम बाई एन वन बाई टू एक मिनट वाई बाई टू अब यहां पे क्या है जीरो यहां पे हम वन रख देते ताकि हमें जो है वाई की वैल्यू वन लोग वन की वैल्यू क्या होती है जीरो ठीक है तो यहां से आपको जीरो मिल जाएगा ये भी जीरो हो जाएगा ये आपको मिलेगा वन बाई सिक्स लोग यहां से इसकी वैल्यू क्या आएगी इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी क्या जीरो प्लस का सी ये आपको जो है वन बाई टू और सी की वैल्यू आपको मिलेगी ये क्या है सी की जो वैल्यू है आपको ये मिलेगी ठीक है ठीक है यहां पे रखते हैं वन बाई सिक्स लोग by 2, ये हमने रखा ये वन बाई थ्री और ये ठीक है तो यहां से आपको क्या मिलेगा यहां से आपको मिलेगा आप थ्री टू या सिक्स ले लीजिए माइनस का थ्री और ये आपका प्लस का टू ये आपको मिल जाएगा लोग वाई प्लस वन बाई सिक्स लोग वाई बाई टू माइनस वन बाई सिक्स लोग वन बाई टू इज इक्ल्स टू माइनस एक्स ठीक है अब यहाँ पे थ्री माइनस टू माइनस का वन बाई सिक्स है क्या है माइनस का वन बाई सिक्स है ठीक है और माइनस को यदि हम रिमूव करना चाहें तो ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा ठीक है अब सिक्स से हम सिक्स को भी हटाना चाहते हैं ठीक है हमने हटाया और यहां पे हमें सिक्स एक्स मिल जाएगा ठीक है लोग m- माइनस एन क्या है लोग m- माइनस एन तो यहां से क्या हो जाएगा लोग m by N, y upon y upon 2, मतलब टू वाई बाई टू और प्लस लोग वन बाई टू इज इक्व टू सिक्स इन टू एक्स ये आपको y से y कैंसल आउट लोग टू मिल रहा है लोग टू प्लस माइनस लोग टू एजिक्स इन टू एक्स यहाँ से आपको क्या मिल रहा है एक्सिकोस टू जीरो बाकी जो है आपको y की वैल्यू y के टर्म में तो कुछ नहीं मिल पा रहा है क्या है y के जो टर्म में वैल्यू है वो तो कुछ नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपने सिंपलीफाई करते हुए सोल्व किया तो यहां से आपको एक्सिकोस टू जीरो मिला क्या है एक्सजिक टू जीरो और एक्स एजिकीरो का मतलब यहाँ पे t से है क्या है

किस सेट में ऑप्शन में पहले और तीसरे ऑप्शन में तो जीरो है ठीक है तो यहां से पहला और तीसरा तो रिमूव हुआ अब दूसरे और चौथे ऑप्शन में क्या जीरो इंक्लूड है जी नहीं जीरो तो यहाँ पे नहीं है इसका मतलब हमारा जो ट्रू ऑप्शन होगा वो हमारा सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है लेट क्यू बी द पोलिनोमियला ऑफ डिग्री एन विथ एन इज ग्रेटर देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यू डैस टी इज इक्व टू क्यू ऑफ यू टी एंड यू जीरो इज टू वन हैजेज अ यूनिक सोलूशन इन रियल नंबर एन हैज नो डिस्टिंक्ट डिस्टिंग सोलूशन इन रियल नंबर और थर्ड ऑप्शन में कहता है नो सोल्यूशन इन ओनली इंटरवल कंटेनिंग जीरो सम समी फोर्थ ऑप्शन में कहता है अ यूनिक सलूशन इन एन इंटरवल कंटेनिंग जीरो देखिए करते हैं इसको भी थर्ड क्वेश्चन को जब भी इस टाइप से क्वेश्चन हो तो वहां पे आप जो है जो ये पूछ रहा है किसको बोल रहा है क्यों आपकी पोलिन है जिसकी डिग्री एन है ठीक है और ये यू टी है यू डैश टी इज टू क्यू ऑफ यू ऑफ टी और कंडीशन है यू जीरो इजिक्वस टू वन अब यहाँ पे क्या यू टी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका मतलब हम ले लेते हैं यू ऑफ टी इजिक्वस टू यू ऑफ टी इज टू वन इसका एक सोलूशन है क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करेगा तो ये सेटिस्फाई तो होएगा ही होएगा अब यहाँ पे ये आपका वन है क्या है वन है अब यहाँ पे जो है आपको जब वन है तो कुछ भी आप रखेंगे मान लीजिए कि आपने जो है क्यू ऑफ एक्सिकोस टू दो या फिर दो से बड़ी डिग्री की पुल में ला न तो यहाँ से एक्स की पावर टू रखी आपने तो यहाँ से जो है आपको एक्स वन की पावर टू है मतलब ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन ही आप करते चल रहे हो ताकि आपको कैलकुलेशन वर्क बिल्कुल भी ना करना पड़े ठीक है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना माइंड यूज कर रहे हो अब यहाँ पे क्यू एक्स की वैल्यू एक्स की पावर टू है चाहते तो हम ये भी लिख सकते थे वन प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स रेज टू पावर टू या फिर किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई प्लस किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई प्लस किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई ऐसा भी आप कर सकते हो बट आप सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हो ताकि हमें कैलकुलेशन वर्क ना करना पड़े यहाँ से आपको जो है क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स की पावर टू है और ये क्या है इसकी वैल्यू तो वन है या इसकी वैल्यू वन है मतलब यहाँ पे एक्स के स्थान पे क्या रहेगा वन रहेगा और वन की टू पावर करेंगे वैल्यू वन आएगी

ऑप्शनस में क्या बोल रहे हैं ऑप्शंस में कहता है यूनिक सोल्यूशन इन ए रियल नंबर एन हैज नो डिस्टिंगट सोलूसन इन रियल नंबर नो सोल्यूशन इन ओनली इंटरवल कंटेनिंग जीरो जो इंटरवल जीरो कंटेन करेगा फोर्थ सम पी के उसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा फोर्थ में कहता है यूनिक सोल्यूशन इन एन इंटरवल कंटेनिंग जीरो अब देखिए इसको किसी पॉइंट से क्या प्रॉब्लम है नहीं इसको तो किसी भी पॉइंट से प्रॉब्लम नहीं है अब यहाँ पे कहता है कि जो है नो सोल्यूशन इसके पास होगा जब आपके इंटरवल में जीरो कंटेंट होने लगेगा फॉर सम पी कुछ पी की बात कर रहा है बट यहाँ पे इसके पास क्या आ रहा है यूनिक सोल्यूशन क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह प्रेजेंट नहीं है तो ये यूनिक सोल्यूशन देगा और कहाँ पे जो इंटरवल के अंदर जीरो कंटेंट होगा उसी के अंदर दे देगा मतलब यहां पे जीरो से इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यदि बाई में होता बाई में वन बाई टी होता तो वहां से टी जिकोस टू जीरो से इसको प्रॉब्लम होती बट यहां पे किसी भी पॉइंट से इसको प्रॉब्लम नहीं है और क्या दे रहा है यूनिक सोल्यूशन दे रहा है तो यहां से आपका फोर्थ ऑप्शन टू ऑप्शन होगा बाकी सभी ऑप्शन आपके रॉन्ग ऑप्शन होंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है इफ द सोल्यूशन टू डी वाई बाई डी एक्स जिकोस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है यक्स ग्रेटर देन जीरो है एंड वाई जीरो जीक्वल टू टू है एग्जिस्ट इन द इंटरवल जीरो और एल नॉट एंड द मैक्सिमल इंटरवल ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ डी जेड वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर एंड एक्स इज ग्रेटर देन जीरो जेड नोट इज इक्वल्स टू वन इज कहाँ पे एल जीरो और एल वन के बीच में ठीक है देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट ठीक है अब ये बताना है आपको कि L1 और L2 की वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी यल वन या फिर यल टू की जो लिमिटेशंस है वो क्या होंगी ठीक है तो यहां से आपको जो है जो सेकेंड वाला है डी जेड वाई डी एक्स डी जेड मतलब वाई भी एक्स का फंक्शन है जेड भी एक्स का फंक्शन है ठीक है तो यहां से आपको जो है डी जेड अपोन डी एक्स इज इक्व टू जेड स्क्वायर है तो यहाँ से करेंगे डी जेड अपोन जेड स्क्वायर इजिक्वल टू डी एक्स ये आपको जो है जेड की पावर माइनस टू प्लस वन अपोन माइनस टू प्लस वन इजिकोस टू एक्स प्लस सी ठीक है ये आपको जेड की पावर माइनस वन अपोन माइनस का वन ये आपको मिलेगा माइनस वन बाई जेड इजिकोस टू एक्स प्लस सी तो यहाँ से आपको मिलेगा जेड इजिकोस टू माइनस वन अपोन एक्स प्लस सी ठीक है ये होएगा आपका

क्या है जो जेड एक्स है वो कहां पे है जीरो टू एलेवन क्या है जीरो टू एलेवन अब यहाँ पे वन से इसको प्रॉब्लम आ रही है अब वन से इसको प्रॉब्लम आ रही है मतलब ये जो एलेवन है वो हमारा लेस देन वन होना चाहिए क्या है जो हमारा एलेवन है वो हमारा क्या होना चाहिए एक मिनट यहां से देखिए वन माइनस एक्स और एक चीज देखिए यहां पे जो है आपको जेडो ऑफ एक्सिकल्स टू वन है क्या है ये वैल्यू वन तो गिवन है वन जब गिवन है तो यहां से क्या होगा जब इसकी वैल्यू वन गिवन है मतलब ये कंडीशन ली जा सकती है क्या है ली जा सकती है ठीक है जो एल वन होगा वो आपका क्या हो जाएगा एल वन है हाँ एल वन है वो क्या हो जाएगा लेस देन इक्व टू वन अब लेस देन इक्व टू वन नहीं बल्कि क्या ले लीजिए एल वन इज इक्व टू वन ले लीजिए ठीक है अब एल नोट की बारी आती है अब यहाँ पे जो है एल वन की जो वैल्यू है वो वन किस में है पहले और दूसरे में है तीसरा और चौथा तो किसी कीमत पर ट्रू नहीं हो सकता पहले और दूसरे में है अब यहाँ पे जो है एल नोट की लिमिटेशन देखनी है क्या है एल नोट की लिमिटेशन देखनी है और यहाँ पे देखिए एल नोट में वाई जीरो जी कोस टू टू है क्या है वाई जीरो जी कोस टू टू है अब यहाँ पे जो है आपको जो एल नोट होगा वो आपकी ग्रेटर देन वन लेके चलनी होगी क्या है एल नोट जो है आपको जब सोल्व करेंगे आप वहाँ से प्रॉब्लम आएगी और आप क्या कहेंगे कि जो एल नोट की वैल्यू है एक मिनट जो एल नोट है चलिए सोल्व ही कर लेते हैं ये है ठीक है और यहां से आपको जो है देखिए क्या है इसका एक सोल्यूशन बनेगा क्या है सोल्यूशन बनेगाई बाई डी एक्स जीरो है एज इक्स टू वाई स्क्वायर मतलब फोर प्लस एक्स की वैल्यू यहां पे एक्स स्क्वायर है क्या है ये है तो इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए क्या है इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए प्लस एक्स स्क्वायर अब यहां से एक्स स्क्वायर जी को क्या होगा क्योंकि यहां पर वैल्यू ग्रेटर और y जीरो जी को स्टू टू है क्या है y जीरो जी को स्टू टू है और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और हमने ये लिया कि इसका एक सलूशन है क्या इसका एक सलूशन है और यहां से आपको जो है एक मिनट यहां पे यदि यह हम y ऑफ एक्स टू वन ले लें तो क्या होगा ये आपको मिलेगा वन इसको जब आप सोल्व करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से तो यहाँ से जो आपको मिलेगा एल नोट की जो वैल्यू आएगी वो आपकी लेस देन इक्वल्स टू इक्वन आएगी क्या है वन या फिर वन से छोटी लेके आपको चलना होगा ठीक है और एलेवन की वैल्यू आपको ये मिलेगी और यहाँ से आपको जो है एल नोट की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू इक्वन हो और एलेवन की वैल्यू वन हो ये आपके किस ऑप्शन में मिलेगा ये आपके ऑप्शन नंबर सेकेंड के अंदर मिलेगा ये ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट देखिए ये आपके स्ट्रम लोबली प्रॉब्लम है एस एल पी है ठीक है और यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई जीकोस टू जीरो है एंड क्या है वाई जीरो जीकोस टू जीरो है वाई एट द्वेंट टू वाई जीकोल टू जीरो सोल्व करते हैं इसको भी फिफ्थ क्वेश्चन को क्या है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 99 परसेंट आपका क्वेश्चन लेमडा इज कोस टू एम स्क्वायर से सोल्व हो जाता है ठीक है बट यहाँ पे देखना है किससे सोल्व होगा ये आपको मिलेगा डी स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू वाई ए जी कोस्टू आपको जीरो मिलेगा ठीक है तो यहाँ से इसका जो हम सोल्यूशन लिखते हैं एक्जनरी क्वेश्चन ये हम ले लेते हैं डी स्क्वायर प्लस एमदा ताकि हम कन्फ्यूज ना हो अब यहाँ पे केस फर्स्ट लेके चलना है क्योंकि यहाँ पे जीरो वन टू सब के में बताना है ठीक है तो ये होगा या फिर सी नोट प्लस सी वन एक्स सी वन प्लस सी टू एक्स यहाँ से आपको कंडीशन क्या है जीरो पे आपकी वैल्यू जीरो है और टू पाई पे भी वैल्यू आपकी जीरो है ओके ये रहा आपका कॉन्सेप्ट वाई कोस टू जीरो एक्स जी कोस टू जीरो इसका मीनिंग ये है और यहाँ से जब आप रखेंगे तो जीरो जी कोस टू आपको सी वन प्लस जीरो सी वन आपका जीरो हो चुका है अब यहाँ पे टू पाई पे देखना है एक्स की वैल्यू टू पाई वाई की वैल्यू जीरो ये आपको जो है टू पाई इन टू सी टू हो जाएगा अब यहाँ पे टू पाई तो कभी भी जीरो हो नहीं सकता दो नंबरों की प्रोडक्ट आपकी जीरो है तो इसका मतलब या तो पहला मेंबर जीरो या तो दूसरा मेंबर जीरो या फिर दोनों जीरो है ठीक है अब यहाँ पे ये तो जीरो कभी हो नहीं सकता मतलब जीरो कौन होगा सी टू जीरो होगा मतलब हमें क्या मिल चुका है सीवन जीरो और सी टू भी जीरो सीवन सी टू जीरो है तो वाई एक्सी जी कोस टू जीरो आया कैसा सोल्यूशन मिल रहा है ट्रीवियल और आपको रिक्वायरमेंट किस सोलूशन की है नॉन ट्रिवियल ठीक है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है G के लिए इसके पास कोई भी नहीं मिल रहा है अब यहाँ पे G और लेमदाइजिक क्या है लेमदाइजिको टू आप एम स्क्वायर पॉजिटिव लेके चलना है क्या है जब आपका लेमदा ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव लेमदाइजिको टू एम स्क्वायर होगा ठीक है अब यहाँ पे नेगेटिव का है क्या है नेगेटिव का है तो यहां से नेगेटिव है इसको क्या करना होगा पॉजिटिव बनाना होगा पॉजिटिव कब बनेगा जब लेमदा इज लेस देन जीरो होगा मतलब इज इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर इसको भी रिमूव किया हमने क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ आइडिया लगाया अपना माइंड यूज किया और पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको लेके आए हैं ठीक है थीके? एक मिनट इज इक्वल्स टू आपका माइनस का एम स्क्वायर जी नहीं इज ग्रेटर देन जीरो और इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर ये आपको क्या मिलेगा डी स्क्वायर इजिक्वस टू माइनस एम स्क्वायर ये आपको मिलेगा आयोटा एम का होल स्क्वायर डी इजिक्वस टू प्लस माइनस एम आयोटा इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा सी वन कोर्स एम एक्स प्लस सी टू साइन एम एक्स अब यहाँ पे कंडीशन जो गिवन है जीरो पे जीरो है टू पाई पे जीरो है इसको आपको चेक करना है ओके जीरो पे जीरो वैल्यू है अब यहाँ पे आपको जो है जीरो ईजिकोस टू सी वन कोस जीरो की वैल्यू वन साइन जीरो जीरो, जीरो यहाँ से सी वन आपको जीरो मिल चुका ठीक है मतलब ये रहा अब टू पाई पे वैल्यू जीरो है वाई की वैल्यू जीरो तो यहाँ पे सी टू साइन एम इन टू टू पाई है ना अब यहाँ पे जो है दो नंबरों की प्रोडक्ट जीरो है सी टू आपका क्या होगा यहाँ पे नाटिकॉस टू जीरो क्योंकि ये जीरो हो सकता है ठीक है साइन टू एम पाईजिक्स टू जीरो साइन जीरो कब होता है एन पाई साइन एन पाई पे जीरो होता है ठीक है अब यहां से आपको मिलेगा टू एम पाई इजिक्वस टू एन पाई अब पाई से पाई कैंसल आउट अब यहाँ से एम इजिक्वस टू क्या हो जाएगा एन बाई टू क्या है एम इजिक्वस टू एन बाई टू मतलब इस पॉइंट पे इसको सोल्यूशन मिल पा रहा है वो भी कैसा सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल सोलूशन क्या है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल पा रहा है ठीक है तो नॉन ट्रिबियल सोल्यूशन है तो इज लैमदाइजिको टू एम का स्क्वायर है एम की वैल्यू इतनी है तो यहाँ से आपको एन स्क्वायर बाई फोर कब जब यन आपका जीरो नहीं कब कब वन टू थ्री यहाँ से यन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है इसके ऊपर जो है ये आपका साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है नेचुरल नंबर पर है ना तो इज एजिकॉस टू वन टू थ्री एंड सो वन इस पॉइंट पे आपको कैसा सोल्यूशन मिलेगा और लैमदा की वैल्यू ये होगी तो ये आपका जो एस एल पी प्रॉब्लम है इसके हेल्प से आपने लैमदा की वैल्यू ये कैलकुलेट किया है और एन की वैल्यू ये है इसके ऊपर ये आपका कैसा सोल्यूशन देगा ये आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देगा और आपको रिक्वायरमेंट भी इसी सोल्यूशन की थी और यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका ट्रू ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट जीरो जीरो ऑफ द सिस्टम डी एक्स बाई डी टी एक्स टू वन टू थ्री टू और यहां से आपको जो है वन है इन टू एक्स और यहाँ पे एक्स टी वाई टी ओके यहाँ पे बताना है आपको कि कैसा पॉइंट मिलेगा सेडल पॉइंट होगा नोड होगा इस वायरल पॉइंट होगा या फिर इसका सेंटर होगा ठीक है तो ठीक है यहाँ पे इसकी आइगन वैल्यू के यहाँ पे हम बताते हैं कि कैसा नेचर इसका होता है

माइनस सिक्स ये आपको मिलेगा माइनस का फोर ये हो जाएगा ए जी कोस टू जीरो लैमदा स्क्वायर माइनस थ्री लेमदा माइनस का फोर इजी कोस टू जीरो यहां से आपको मिलेगा प्लस माइनस फोर लैमदा प्लस लैमदा माइनस का फोर इजी कोस टू जीरो लैहदा कॉमन ले लीजिए लैमदा माइनस फोर प्लस वन कॉमन ले लीजिए लैमदा माइनस फोर इजी कोस टू जीरो प्लस वन और ये आपका लैमदा माइनस फोर टू जीरो दिस एम्प्लाइज दैट और क्या है जो यहाँ लैम्डा की वैल्यू है वो आपकी का और है ये होगा आपका और यहां से आपने इसको सोल्व किया क्या है आपने इसको सोल्व किया है तो यहाँ से आपको जो है एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जब आपको एक नेगेटिव वैल्यू मिले एक पॉजिटिव रियल वैल्यू मिले तो आप क्या करते हैं आप ये कहते हैं कि ये जो आपका पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है सेडल पॉइंट है क्या है ये आपका सेडल पॉइंट है और यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये आपका ट्रू ऑप्शन होगा क्या है ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये आपका ट्रू ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आना है क्वेश्चन नंबर सेवंथ कहता है आइगन वैल्यू ऑफ वाई डबल डैश प्लस लंदा वाई इजिक्वल्स टू जीरो क्या है सेवंथ में कहता है फाइंड द लीस्ट अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू ऑफ डबल डैश प्लस टू जीरो अब ये तो क्वेश्चन है आपका रेले एड राइज मेथड से सोल्व होने वाला है क्योंकि यहां पे आपको अप्रोक्सीमेट आइगन अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है ठीक है वो भी आइगन वैल्यू ओके देखिए करते हैं इसको भी यहां से आपको मिलेगा और लैम्डा वाई डबल डैश प्लस लेमदा इंटू वाई इजिक्स टू जीरो वाई डैश जीरो इज ईक्व टू ज़ीरो वाई ऑफ वन इज इक्व टू जीरो ठीक है ये है आपका अब यहाँ पे पी क्यू आर इसकी वैल्यू आपको देखनी है एक मिनट ए इजिक्वस टू आपका क्या है वन बी एजिक्स टू आपका क्या है जीरो क्योंकि डैश की वैल्यू है नहीं सी टू आपका क्या है लेमदा ठीक है ये है और यहाँ से यदि यह हम पी एक्स की वैल्यू निकालें तो पी एक्स हमें क्या मिलेगा पी एक्स हमें ई e की पावर इंटीग्रेशन बी बाई ए जीरो इंटू डी एक्स e ई की पावर जीरो वैल्यू वन ठीक है क्यू एक्स की वैल्यू यदि हम देखें तो क्यू एक्सिकोस्ट टू हमें मिलेगा माइनस सी अपोन ए सी अपोन ए इंटू पी एक्स ये होगा माइनस का लहमदा और आर एक्स की वैल्यू यदि हम देखें तो टू इंटू एफ एक्स यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू तो जीरो है राइट हैंड साइड जीरो है ये आपको जीरो अपॉन ए इंटू पी एक्स ये तो वन है ठीक है बाकी जीरो आया आंसर अब यहाँ से इसका जो इंटीग्रल है आई वाई ऑफ एक्सिकोस्टू क्या होगा इंटीग्रेशन कहाँ से जीरो टू वन जीरो टू वन पी एक्स वाई डैस स्क्वायर प्लस क्यू एक्स वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स इंटू वाई इंटू डी एक्स होता है ठीक है यहाँ से आपको मिलेगा इंटीग्रेशन जीरो टू वन पी एक्स वाई डैस स्क्वायर क्या है पी एक्स वाई डैस स्क्वायर वन इंटू वाई डैस स्क्वायर ओके प्लस क्यू एक्स की वैल्यू क्या है माइनस लेमदा इंटू वाई स्क्वायर और ये आर एक्स की तो जीरो है ठीक है ये रहा आपका ये तो आपके आई ऑफ वाई ऑफ एक्स की वैल्यू ठीक है अब इसको यूलर लैगरानजी क्वेश्चन की हेल्प से सोल्व कीजिए आपके जो है एफ एक्स वाई वाई डैस की जो वैल्यू है ये आपको मिल रही है वाई डैस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ठीक है अब यहाँ से आपको जो है यूलर लैगरानजी इक्वेशन का यूज करना है कैसे यूज करना है करली एफ बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स इंटू करली एफ बाई करो दिस इंप्लाइज दैट करली एफ बाई करली क्या है माइनस टू लमदा वाई माइनस डी बाई डी एक्स और वाई डैश के रिस्पेक्ट में टू वाई का डैश इज टू जीरो ये आपको मिलेगा माइनस टू लैमदा वाई माइनस टू वाई डबल हाईएस्ट डेरिवेटिव कितनी है टू तो इसका मतलब इसका जो जनरल सोल्यूशन हम लेट करने वाले हैं वो हम करेंगे ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स की पावर टू ये इसका जनरल सोल्यूशन है अब गिवेन इंफॉर्मेशन की हेल्प से इसके क्या करना है आर्बिट्रेरी जो कॉन्स्टेंट है इनकी वैल्यू इवेल्युएट करनी है अब यहाँ पे जो है कंडीशन क्या गिवन है कंडीशन आपको गिवन है वाई एट द पॉइंट जीरो डेरीवेटिव एट द जीरो इज इक्व टू जीरो और वाई एट द पॉइंट वन इज इक्व टू जीरो ठीक है अब यहाँ से जो है डेरीवेटिव इसका करते हैं डेरीवेटिव करने से आपको मिलेगा ए वन प्लस टू इंटू ए टू इन एक्स डेरीवेटिव एट द पॉइंट जीरो इज टू जीरो है मतलब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू जीरो ए वन आपका जीरो है क्या है ए वन आपका जीरो है मीन्स ये जीरो रहा ठीक है यह आपको जो है ए वन की वैल्यू जीरो मिल चुकी है अब यहाँ पे जो है वाई ऑफ वन इज इक्वल्स टू जीरो है तो यहाँ पे रखेंगे ये आपको मिलेगा ए नोट प्लस यहाँ पे वन है प्लस ए टू ठीक है अब यहाँ पे ए नोट प्लस ए टू इक्वल्स टू आपको जीरो है तो यहाँ से आपको ए नोट इज इक्वल्स टू माइनस का ए टू हो जाएगा एब अब इक्वेशन इसमें रखेंगे वाई ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस का ए टू प्लस का ए टू इन एक्स की पावर टू यहाँ से आप ए टू कोमन ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वन ये मिलेगा अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है क्या है ये जो वैल्यू है आपको इसके इंटीग्रल में रखनी है जो कि अभी आपने लिखा था आई वाई टू ऑक्सीग्रेशन जीरो स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू डी एक्स ठीक है इसके अंदर रखनी है ये वैल्यू इसका डेरिवेटिव कीजिए और डेरिवेटिव करने से आपको क्या मिलेगा ये आपको मिलेगा ए टू टू एक्स और ये तो कॉन्स्टेंट है क्या है टू ए टू एक्स और इसका स्क्वायर है ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन जीरो स्क्वायर का मतलब या इसका स्क्वायर है ठीक है लेमदा ए का ए टू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इन टू डी एक्स ये आपको मिलेगा क्या है ये आपको मिलेगा इसको सिंप्लीफाई करना है इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट रखनी है जीरो टू वन ये होगा अब इसका जो है आप स्क्वायर कर लीजिए पहले इंटीग्रेशन जीरो टू वन फोर ए टू स्क्वायर एक्स की पावर टू माइनस लमदा ए टू स्क्वायर ए टू स्क्वायर को आप बाहर कर लीजिए क्या है ए टू स्क्वायर को आप बाहर कर लीजिए ठीक है लेमदा ये आपको मिलेगा क्या एक्स की पावर फोर प्लस वन ए माइनस बी का होली स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू एक्स की पावर टू और ये आपका डी एक्स हो जाएगा ठीक है अब इंटीग्रेट कर दीजिए ये आपको मिलेगा ए टू स्क्वायर ये आपको मिलेगा जीरो टू वन चलिए हमने इंटीग्रेट किया मान लीजिए ये आपको मिलेगा फोर एक्स की पावर थ्री बाई थ्री लिमिट रखेंगे फोर बाई थ्री माइनस लेमदा आपको मिलेगा एक्स की पावर फाइव बाई फाइव मतलब वन बाई फाइव प्लस ये आपको एक्स मिलेगा वन मिलेगा माइनस टू एक्स की पावर थ्री बाई थ्री यह आपको मिलेगा टू बाई थ्री ये होगा आपका और यहाँ से जो है आई जिक्वस टू ये है ठीक है अब यहाँ पे देखिए इससे आपको कोई मतलब नहीं है आपको इवेलुएट किसकी वैल्यू करनी है आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है ठीक है मीन्स लैम्डा की वैल्यू इवेलुएट करनी है तो इससे कुछ भी नहीं करना आपको ठीक है आप क्या कर दीजिए डी आई आप डी ए टू ए जिकोस टू जीरो मान लीजिए इसको आपने जीरो किया ठीक है तो यह आपको मिलेगा टू ए टू इन टू फोर बाई थ्री माइनस और ये आपका फिफ्टीन एल्सियम ले लीजिए फाइव थ्री ज फिफ्टीन थ्री प्लस आपका हो जाएगा फिफ्टीन माइनस थ्री फाइव फाइव जब फिफ्टीन फाइव टू या टेन ठीक है ये आपको मिल जाएगा एजिकोस टू जीरो ठीक है ये आपको जो है जीरो के इक्वल मिल जाएगा ये मिलेगा ये आपको फोर बाई थ्री माइनस लंदा एट्टीन में से टेन जाएगा एट अपॉन इज इक्व टू जीरो दिस इंप्लाइज दैट ये आपको क्या मिलेगा यहां से आपको क्या मिलेगा लहदा एट लहदा अपॉन फिफ्टीन इज इक्व टू फोर बाई थ्री फोर टू जट ये क्या हो जाएगा अब यहां पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको देखनी है तो यहाँ से आपको lambda क्या मिल जाएगा थ्री आपका कौन सा ऑप्शन टू होगा आपका जो ट्रो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रो ऑप्शन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एट कहता है वाई जीरो जिकोस टू ए हैज यूनिक सोल्यूशन इफ एज लेस देन जीरो नो सोल्यूशन इफ एज ग्रेटर देन जीरो एंड इन फाइनेटली मेनी सोलूशन इफ एज इक्व टू जीरो ठीक है और फोर्थ में कहता है आई यूनिक सोल्यूशन इफ ए ग्रेटर दैन इक्व टू जीरो ठीक है देखेंगे कैसा सोल्यूशन आएगा और ए की वैल्यू क्या रहेगी डी वाई बाई डी एक्स इजिक्स टू टू रूड वाई मतलब टू इंटू वाई की पावर वन बाई टू ये है वाई ऑफ जीरो इजिकोस टू ए है ठीक है अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे यदि आप जो है क्या करते हो डी वाई अपोन वाई की पावर वन बाई टू इजिक्स टू टू इंटू डी एक्स वाई की पावर माइनस का वन बाई टू प्लस का वन अपॉन माइनस का हाफ प्लस वन ये आपको मिल जाएगा इंटू डी वाई चलिए छोड़िए इसको ये आपको मिल जाएगा टू एक्स प्लस का सी यहाँ से आपको क्या मिलेगा टू माइनस वन वन बाई टू और ये आपका टू वाई की पावर वन बाई टू इज इक्व टू टू एक्स प्लस सी ये आपको क्या मिलेगा वाई की पावर वन बाई टू इजिक्वस टू एक्स प्लस सी बाई टू और इसकी जो पावर है वो कितनी आएगी पावर इसकी जो है टू आ जाएगी ठीक मतलब है वाई जीरो इजिक्वल टू ए मतलब वाई की वैल्यू ए है और x इज इक्वल टू जीरो आपको मिलेगा c बाई टू का होली स्क्वायर ठीक है यहां से आपको मिलेगा c इज इक्वल टू रूड ए टू रूड ए ठीक है ये होगा c की वैल्यू c की वैल्यू ये है तो यहां से आपको जो है टू रूड ए ये मिलेगा और यहाँ से आपको जो है यदि आप ए जिक्वल्स टू जीरो लिख देते हो तो यहाँ से इसके पास कैसा होगा इन्फाइनाइट सोल्यूशन क्योंकि वाई ऑफ एक्स इजिकल्स टू जीरो भी इसको सेटिसफाई कर रहा है इसको वाई एक्स इजिक्वस टू जीरो इसका एक सोल्यूशन तो ये है और एक सोल्यूशन ये आएगा ठीक है ये होगा जीरो वाई ऑफ एक्स इजिक्वल टू एक्स की पावर टू क्या दोनों सेम है जी नहीं सेम तो नहीं है डिस्टिंक्ट है और ये भी सोलूशन ये भी सोलूशन है मतलब जब आपका ए जिक्वल्स टू जीरो होगा इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास कैसा सोल्यूशन होगा होंगे। आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा आपका ये जो क्वेश्चन है पार्ट बी का क्वेश्चन है और यहां से आपका कब जब आपका, तो आपका थर्ड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन्थ कहता है लेफ्ट क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी देन द इक्वेशन एडमिट्स अ यूनिक सोल्यूशन वाई टी एंड फरदर लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी वाई टी एक्जिस्ट एंड इज फाइनाइट दिस इक्वेशन एडमिट्स टू ली नियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन दिस इक्वेशन एडमिट्स अ बाउंडेड सोल्यूशन फॉर विच लिमिट टी टेन्स टू इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट फोर्थ ऑप्शन भी कहता है द इक्वेशन एडमिट्स अ यूनिक सोल्यूशन वाई टी एंड फर्दर लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी वाई टी की वैल्यू क्या आ रही है इनफाइनाइट आ रही है ठीक है देखिए इसको भी करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ फंक्शन हमारा कैसा है कॉन्टिन्यूस बाउंडेड है ठीक है तो हम अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए एफ ऑफ एक्सिकल टू जीरो मतलब एफ ऑफ टीक टू जीरो कर देते हैं ठीक है ये रहा और यहाँ से आपको मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्व टू वन प्लस एफ स्क्वायर एट द पॉइंट टी इन टू वाई ऑफ टी जब ये जीरो हो जाएगा तो ये आपको मिलेगा वाई ऑफ टी डी वाई बाई डी एक्स और ये आपको मिल जाएगा मान लीजिए वाई तो यहाँ से आपको मिलेगा डी वाई बाई वाई जिकोस टू एक्स और ये आपको मिल जाएगा लोग वाई इज इक्व टू एक्स प्लस सी वाई जिकोस टू ई की पावर एक्स प्लस सी ये होगा अब यहां पे कहता है क्या कि जो भी यहां पे आएगा एक मिनट y ऑफ e e e तो जीरो e e तो e मतलब सी टू जीरो होगा आपका और यहां से c की वैल्यू जीरो मतलब ये सोलूशन आया इसका अब यहां पे लिमिट भी अप्लाई करनी है लिमिट यहाँ पे टी है टी है ठीक है लिमिट टी टेंस टू इंफिनिटी ई की पावर टी और ई की पावर इन्फिनिटी बेस एक से बड़ा पावर इनफाइनइट वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी एक मिनट बेस एक से बड़ा पावर इनफाइनाइट वैल्यू आएगी आपकी इन्फाइनइट बेस एक से छोटा पावर इन्फिनिटी वैल्यू आपकी जीरो बट बेस एक से बड़ा पावर इन्फाइनइट वैल्यू इन्फाइनिटी यहाँ पे तो ऐसा है तो ये वैल्यू आपकी इनफाइनइट आएगी और ये आपका कैसा सोलूशन दे रहा है यूनिक सोल्यूशन क्योंकि यहां पे सी प्रेजेंट नहीं है ठीक है कॉन्स्टेंट प्रेजेंट नहीं है दिस इक्वेशन एडमिट्स आई यूनिक सोल्यूशन वाइट एंड फर्दर लिमिट टी टैंस टू इन्फिनिटी वाइट इज टू इन्फिनिटी आपका फोर्थ ऑप्शन ट्रू ऑप्शन है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्वेश्चन नंबर टेंथ ओडी का क्वेश्चन है लीनियर ओडी सिस्टम ऑफ लीनियर ओडी का यहाँ से आपको क्रिटिकल पॉइंट जीरो जीरो पे इसकी जो नेचर है वो बतानी है सेडल है स्पाइरल है असिम्पोटोटिकली स्टेबल है क्या कुछ है सारी इंफॉर्मेशन यहां पे देनी है ठीक है क्वेश्चन ये आपका टू माइनस सेवन थ्री माइनस का एट ये आपको मिलेगा लैमदा स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस कितना होगा मतलब टू माइनस का एट ये आपको माइनस का सिक्स एन टू लैमदा प्लस डिटर्मिनेंट इसका क्या आएगा एट टू 16 माइनस का सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी वन यह आपको फाइव मिल जाएगा ठीक है एजिक्वस टू जीरो आपको मिलेगा लैमदा स्क्वायर प्लस फाइव सिक्स ले प्लस का फाइव इज इक्व टू जीरो स्क्वायर प्लस फाइव लैंदा प्लस लैमदा प्लस का फाइव इज इक्व टू जीरो लैमदा कोमन ले लीजिए यह आपको मिलेगा लैमदा प्लस फाइव प्लस वन कोमन ले लीजिए लैमदा प्लस फाइव इज इक्व टू जीरो प्लस का वन और लंदा प्लस का फाइव इज इक्वल्स टू जीरो दिस इम्पल इज दस टू माइनस का वन एंड माइनस का फाइव बोथ नेगेटिव एंड डिस्टिंक्ट रियल है नेगेटिव है बोथ नेगेटिव है और डिस्टिंक्ट है तो ये आपका क्या होगा और अनईक्वल है तो यहाँ से कौन सा नेचर शो करेगा यहाँ पे आपका नोड को रिप्रेजेंट करेगा आप कौन सा नोड होगा बोथ नेगेटिव है तो स्टेबल नोड को रिप्रेजेंट करेगा ऑप्शन में देख लीजिए कि किस ऑप्शन में आपका एस एम के लिए स्टेबल नोड है है नोड तो है किसमें सेकेंड ऑप्शन में बट कैसा नोड है अनस्टेबल और ये कैसा नोड होगा स्टेबल नोड होगा क्योंकि बोथ नेगेटिव है तो यहाँ से एस एम के लिए स्टेबल नोड आपका फर्स्ट ऑप्शन टू ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर अलेवंथ कहता है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट जीरो जीरो ऑफ दी सिस्टम डी एक्स वाई डी टीज इक्वल टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी वाई वाई डी टीज इक्वल्स टू सिक्स एक्स माइनस वाई प्लस का टू एक्स वाई और इसका भी नेचर आपको बताना है ये आपकी जो है लीनियर ओडी नहीं है एक्स की पावर टू है मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में राइट हैंड साइड में गिवन है आपको क्या करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसके लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए देखिए फार्मूला कैसा है और किसकी हेल्प से हम इसको लीनियर ओडी में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले जब आपको लीनियर ओडी नहीं होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है लीनियर और डी के अंदर पहले कन्वर्ट करना है फिर उसकी आइगन वैल्यू कैलकुलेट करनी है ऐसा नहीं कि जो आपके वाले टर्म में उनको रिमूव कर दीजिए ऐसे रिमूव मत कीजिए ये आपको जो है क्या मिलेगा डी एक्स बाई डिटी इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस एक्स स्क्वायर इसके लिए हम मानते हैं कि आप एक्स वाई है और यहाँ से जो डी वाई बाई है सिक्स एक्स माइनस वाई प्लस का टू एक्स वाई ये आपका जी एक्स वाई है ठीक है यहां से जब हम करेंगे एफ एक्स वाई टू क्या हो जाएगा किसके एफ किसके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट एफ एक्स वाई एट x इसको स्मॉल एफ मान के चलिए ठीक है इसको स्मॉल जी ठीक है और यह कैपिटल एफ होगा करली एफ बाई करली एक्स एट द पॉइंट जीरो, जीरो जीरो प्लस y into curly f एफ curly y at the point zero zero similarly g के लिए भी ऐसा ही होगा x y g equals to g x y at the point zero zero plus x into curly g by curly x at the point zero zero plus y into curly g by curly y at the point zero zero ठीक है ये है आपका और ये तो फार्मूले के अकॉर्डिंग रहा आपका और यहाँ से आपको जो है चलिए जीरो जीरो रखेंगे कंप्लीट ज़ीरो एफ एक्स वाई ए जी टू ये कंप्लीट आपका ज़ीरो ठीक है प्लस एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपको मिलेगा वन माइनस टू एक्स पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो पर ठीक है वाई वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे फोर ठीक है ये आपको मिलेगा ज़ीरो जीरो पे करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा आपको मिलेगा एक्स प्लस का फोर वाई क्या है एक्स प्लस का फोर वाई अब इसके लिए यदि हम चेक करें तो ये आपको मिलेगा जी एक्स वाई जी कोस टू जी एक्स वाई एट द पॉइंट ज़ीरो जीरो जीरो पे जीरो ज़ीरो पे तो जीरो है एक्स कर ली जी वाई कर ली एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ से आपको सिक्स प्लस टू वाई ऐट द पॉइंट जीरो ज़ीरो प्लस वाई और वाई के रिस्पेक्ट में करें तो माइनस का वन और प्लस का टू एक्स हो जाएगा और जीरो जीरो पे चेक करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा यहाँ से हमें मिलेगा सिक्स एक्स माइनस वाई ठीक है ये भी रिमूव हुआ और ये आपके क्या लीनियर फॉर्म में आ चुकी हाँ लीनियर फॉर्म में आ चुकी जब ये आपकी लीनियर फॉर्म में आ चुकी है तो इसकी आइगन वैल्यू को इवेल्यूएट कर दीजिए और नेचर बता दीजिए कि कैसा नेचर होगा ठीक है यहाँ से आपको वन फोर सिक्स माइनस वन ये आपको मिलेगा लैमदा स्क्वायर माइनस इसका ट्रेस क्या है जीरो इंटू लैमदा प्लस इसका डिटर्मिनेंट क्या है माइनस का वन और ये माइनस सिक्स फोर जा ट्वेंटी फोर ये आपको मिलेगा माइनस का ट्वेंटी फाइव ठीक है एजिकोस टू जीरो लहमदाई स्क्वायर एजिकोस टू ट्वेंटी फाइव लहमदाईजिकोस टू प्लस माइनस फाइव क्या है प्लस माइनस फाइव पॉजिटिव वैल्यू भी है नेगेटिव वैल्यू भी है ठीक है तो कैसा नेचर शो करेगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेटल पॉइंट क्या है यदि आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आता है तो यह आपके किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है सेटल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है आपका कौन सा ट्रू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कहता है इफ वाई वन एक्स एंड वाई टू एक्स आर टू सोलूशन ऑफ ओडी कोस एक्स इंटू वाई डबल डैश साइन एक्स इंटू वाई डैश माइनस वन प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्सर एट द्वारा इंटू वाई जीकोल टू जीरोस टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू विथ वाई वन जीरो एक मिनट एक काम करते हैं कि जीरो पॉइंट पे इसका रोन्सकियन गिवन है क्या है रोन्सकियन ऑफ y1 y2 एट द पॉइंट जीरो जीरो पे ठीक है एट द पॉइंट ज़ीरो पे ज़ीरो पे इसका नेचर चेक कर लेते हैं ठीक है थीके? और फिर हम इसके आर्बिट्ररी पॉइंट पे चेक करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा वाई वन जीरो वाई टू ज़ीरो वाई वन ज़ीरो वाई टू ज़ीरो वाई वन डैश ज़ीरो वाई टू डैश जीरो ठीक है ये आपको वाई वन जीरो की वैल्यू क्या है रूट टू वाई टू जीरो की वैल्यू माइनस का रूट टू डेरीवेटिव जीरो वन और ये आपका वाई टू डेरीवेटिव जीरो ठीक है ये आपको मिलेगा टू रूड टू और ये आपका पॉजिटिव का रूड टू आपको मिलेगा थ्री रूड टू ठीक है और ये आपके यदि हम arbitrary point पे चेक करें। क्या है किसी आर्बिट्ररी चेक आपको क्या मिलेगा? एक आएगा जो कि हमने ए लिया ठीक है ए इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन माइनस के साथ बी बाई ए क्या है बी बाई ए और यहाँ से साइन एक्स वाई टेन एक्स क्या है साइन एक्स अपोन कोस एक्स इन टू डी एक्स माइनस बी बाई ए ठीक है ये होगा ये आपको मिलेगा ए e की पावर माइनस और ये क्या है लिमिटिंग वैल्यू माइनस पाई बाई फोर टू प्लस का पाई बाई फोर तो यहाँ से आपको जो है ये मिलेगा और यहाँ पे लेट कर लीजिए लेट कोस एक्स एजिकोस टू टी और ये माइनस साइन एक्स डी एक्स एज कोस टू डी टी ये आपको क्या मिलेगा ये आपको मिलेगा डी टी इसकी लिमिटिंग भी लिमिट वैल्यू भी चेंज होगी बट कोई नहीं यहां पे देखिए वन बाई टी इंटू डी टी यह आपको मिलेगा ए इंटू ई की पावर वन बाई टी मींस लोग टी और यह आपको क्या मिलेगा ए इंटू कोस टी और एक मिनट टी की वैल्यू कितनी है कोस एक्स ठीक है ये है अब यहां पे देखिए यहां से ये तो आपके ऑर्बिटरी पॉइंट पे है क्या है ये तो आपके ऑर्बिटरी पॉइंट पे है एक मिनट एक मिनट ये जो वैल्यू है कहां से कहां तक माइनस पाई बाई फोर टू प्लस का पाई बाई फोर ठीक है अब यहां पे जीरो पे गिवन है वैल्यू क्या है जीरो पे आपको वैल्यू गिवन है ठीक है ये आपको जो है इसकी वैल्यू मिल चुकी है इसकी वैल्यू को जो है अभी यहां से मत कीजिए ठीक है जस्ट आप इंटीग्रेट कर दीजिए ओके ये रहेगा आपका और ये मिलेगा और यहां से आर्बिट्ररी पॉइंट आप टी जिकोस टू जीरो क्योंकि आपको वैल्यू पता है यहां से आप ले सकती हो इसकी वैल्यू ठीक है जीरो पे आपको गिवेन है वैल्यू इसका मतलब ये है रोन्स किया ना ऑफ वाई वन वाई टू आपका जीरो पे ये है ठीक है और यहां से आपको टी एजिक्स टू जीरो क्या है मतलब यहाँ पे एक्स एजो कोस टू जीरो अब ये कोस जीरो की वैल्यू क्या आएगी वन आएगी ठीक है तो यहाँ से आपको क्या है इसकी वैल्यू पता है थ्री रूट टू इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ चुकी है थ्री रूट टू अब यहाँ से आपको जो है थ्री रूट टू इन कोस एक्स या फिर टी के फॉर्म में लिखना चाहते हो टी के फॉर्म में लिख दीजिए ठीक है ये होगा क्या है ये आपका होगा अब यहाँ से आपको क्या है रोन्सन की वैल्यू बतानी है किसके ऊपर वाई वन बाई टू की एट द पॉइंट फाइव बाई फोर क्या है आपको जो है इसकी रोन्सकी एन की वैल्यू बतानी है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अब किसी भी पॉइंट हो वो आपका यहाँ पे क्या है मेंशन पाई बाई फोर ठीक है तो ये आपको पाइव बाई फोर यह आपको मिलेगा थ्री रूड टू यहाँ पे पॉइंट एक्स दे दीजिए नाम ठीक है अदरवाइज आप कन्फ्यूज भी हो सकते हैं ठीक है ये आपका एक्स हो जाएगा और यहाँ से आपको जो है एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा और एक्स के फॉर्म में होगा तो ठीक है पाई बाई फोर पे में करना है इन टू कोर्स फाई बाई फोर पाई बाई फोर की वैल्यू क्या आएगी वन बाई रूट टू ये आपको मिलेगा रूट टू से रूट टू आपका कैंसल आउट वैल्यू आपकी क्या मिलेगी थ्री आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ट्रू ऑप्शन होगा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीन

एक पॉइंट पे जो नेचर शो करेगा वही आपके रोन्सकियान का जो नेचर है कंप्लीट इंटरवल के अंदर होगा एक पॉइंट पे जीरो है तो इसका मतलब उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे रोन्सकियान की वैल्यू क्या आएगी जीरो आएगी फर्स्ट ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा ओके नेक्स्ट देखिए कहता है लेट वाई वन वाई टू बी टू सोल्यूशन ऑफ दी प्रॉब्लम वाई डबल डैश प्लस ए वाई डैश टी प्लस बी वाई टी इज इक्वल्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड टू जीरो मिनट ये आपका कैसा है की या तो आपके जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलती है या फिर कंप्लीटली कॉन्स्टेंट ही रहती है या फिर वो जीरो ही रहती है ठीक है अब यहाँ पे कहता है y1 y2 इसका दो सोल्यूशन है और यहां से आपको जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है रोन्सकियन की वैल्यू जीरो है फोर ओल्टी बिलोंग्स टू रियल नंबर ठीक है रोन्सकियन की वैल्यू कांस्टेंट है फोर ओल्टी बिलोंग्स टू रियल नंबर फोर सम पॉजिटिव सी कुछ पॉजिटिव सी के लिए जी नहीं हर एक के लिए जो नेचर होगा सबके लिए होगा अब यहाँ पे थर्ड में कहता है नॉन कॉन्स्टेंट पॉजिटिव फंक्शन के लिए देयर एग्जिस्ट जो ड्रॉनस्कियन है टी वन पे जीरो से बड़ा है जीरो जो है वो रोन्सकियन टी वन से बड़ा है और रोन्सकियन टी टू से छोटा है तो ऐसा कोई भी केस यहाँ पे रोन्सकियन के अंदर डेवलप नहीं किया जा सकता तो यहाँ से ट्रू ऑप्शन आपका कौन सा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 द सोलूशन वाई एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस फोर वाई डैश प्लस फोर वाई इज इक्व टू जीरो सेटिस्फाइंग दी कंडीशन वाई जीरो जी कोस टू फोर वाई डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो जी कोस टू इज देखिए फिफ्टीन क्वेश्चन को करते हैं इसको आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, इजी है सोल्व करना है करते हैं देखिए डी स्क्वायर प्लस फोर डी प्लस का फोर इज इक्व टू जीरो कंडीशन क्या है वाई जीरो पे फोर है और डेरिवेटिव जीरो पे आपकी एट है ओके okay. ये आपको मिलेगा एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस का फोर इज इक्व टू जीरो आपको क्या मिलेगा ये आपको मिलेगा एम प्लस टू का होली स्क्वायर ठीक है एम ए जी को मतलब दोनों वैल्यू रिपीट हो रही है तो यहाँ से आप सोल्यूशन कैसे लिखेंगे सी वन प्लस सी टू एक्स इन टू ई की पावर माइनस टू एक्स ओके अब यहाँ से आपको जो है डेरिवेटिव करना है डेरिवेटिव ऑफ एक्स ये आपको मिलेगा सी वन प्लस सी टू एक्स और ये आपको मिलेगा ई की पावर माइनस टू एक्स और ये वैल्यू आपकी मैं, मिलेगी माइनस का टू प्लस ये आपको मिलेगा सी टू ए की पावर माइनस टू एक्स अब यहाँ पे क्या है डेरिवेटिव एट द पॉइंट जीरो पे एट वैल्यू रखनी है और यहाँ पे आपको जीरो रखना है ये जीरो होगा ये जीरो ई की पावर जीरो वैल्यू वन आएगी ठीक है यह यह 0, तो यहाँ से आपको माइनस का टू इन टू सी वन प्लस सी टू ई की पावर जीरो वैल्यू वन ठीक है ये मिलेगा आपको एक इक्वेशन ये रहा और यहाँ पे जो है आपको फोर रखनी है तो यहाँ से आपको जीरो ई की पॉवर जीरो वैल्यू वन ये आपको सी वन की वैल्यू फोर मिलेगी ठीक है सी वन की फोर है तो सी टू इज को स्टू आप एट माइनस माइनस प्लस टू फोर जा एट ये आपको सिक्सटीन मिलेगा सी टू की वैल्यू आपकी सिक्सटीन और सी वन की वैल्यू आपकी फोर ठीक है ये होगा अब यहां से यही आपका सोलूशन रिक्वायर्ड आ चुका है क्या कोई कॉन्स्टेंट वगैरह प्रजेंट है जी नहीं आपने सबकी वैल्यू जो है इवेलुएट कर दी है कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो यही आपका सोलूशन हो जाएगा कौन सा ऑप्शन है सिक्सटीन एक्स प्लस का फोर इन ई की पावर माइनस टू एक्स सेकेंड ऑप्शन आप पढ़ रु है अदरवाइज आप कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करते तो आपका दूसरा और चौथा दोनों सेटिस्फाई होता बट यहाँ एक मिनट दूसरा और पहला है ना जी नहीं पहला नहीं दूसरा और चौथा दोनों के दोनों सेटिस्फाई होते हैं इनिशियल कंडीशन की हेल्प से बट ऐसा कुछ भी नहीं है आपने कैलकुलेट किया है तो ओनली आपका सेकेंड ही ट्रू है क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन एक ही ऑप्शन ट्रू हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई तो टू एक्स की पावर थ्री यहां से इसका सलूशन आपको बताना है मतलब यहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और साथ ही साथ आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों की दोनों आपको कैलकुलेट करनी होगी क्योंकि राइट हैंड साइड आपका जीरो नहीं है ठीक है क्वेश्चन को देखते ही कुछ चीजें आपके माइंड में हो जानी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है ओके okay, देखिए करते हैं यहां से आपको जो है जेड जी कोस्टू क्या होगा लोग एक्स होगा क्या है जेड जी को लोग एक्स होगा अब यहाँ पे एक्स जी कोस्टू क्या होगा ई की पावर जेड अब यहां से आपको मिलेगा d d माइनस वन प्लस डी माइनस का वन इज इक्स टू जीरो मिलेगा क्या इसका मिलेगा d d माइनस वन प्लस डी माइनस वन इजिकोस टू जीरो आपको d स्क्वायर माइनस का d प्लस का d माइनस वन इजिकोस टू जीरो माइनस वन इजिकोस टू जीरो डी स्क्वायर इजिकोस टू वन डी जिकोस टू प्लस माइनस वन तो इसका सोलूशन कैसे लिखा जाएगा वाई ऑफ x टू सी वन ई की पावर जेड प्लस सी टू e की पावर माइनस जेड ठीक है अब यहाँ पे जेडिकोस टू क्या है x है तो यहाँ से आपको मिलेगा सी वन जेड जी, जी कोस टू लोग एक्स तो यहाँ से सी वन एक्स प्लस सी टू बाई एक्स हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन आएगा मतलब वन बाई एक्स ठीक है अब यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल भी आपको ऐड करनी है क्या है ये तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन रहा पार्टिकुलर इंटीग्रल भी ऐड करना है अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में एक्स की पावर थ्री है वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन ये रहेगा और एक्स की पावर थ्री है तो इसका मतलब एक्स की पावर थ्री का मतलब क्या है या ई की पावर थ्री जेड है इंटू ई की पावर थ्री जेड ठीक है अब यहाँ से जो है जेड डी का कोफिशियंट जेड का कोफिशियंट थ्री है थ्री थ्री जो नाइन और नाइन में से वन जाएगा एट हो जाएगा ठीक है डी किससे रिप्लेस होगा थ्री से तो यहाँ से आप आपको मिलेगा क्या नाइन में से बन जाएगा एट इन ई की पावर थ्री जेड और यहाँ से थ्री जेड किसके इक्वल हो जाएगा एक्स की पावर थ्री से यह आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब बाई एट ठीक है कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा ये तो आपका वाई एक्स इक्व ट्रू है क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पार्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर दिया है ठीक है तो यहाँ से आपको कौन सा ट्रू मिलेगा आपका सेकेंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा बाकी सारे रोंग ऑप्शन हो जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसका आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है पार्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करना है देखिए कर देते हैं इसको भी सेवनटीन को वन अपोन डी स्क्वायर प्लस सिक्स डी प्लस का नाइन इंटू ई e की पावर माइनस थ्री एक्स डी किससे रिप्लेस होगा माइनस के थ्री से तो यहाँ से माइनस का थ्री मतलब नाइन और ये माइनस का एट्टीन प्लस का नाइन और नाइन नाइन एट्टीन में से तीन जाएगा जीरो बाई में आपका जीरो है जस्ट ऊपर आपको क्या है एक्स से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को डिफ्रेंसेज विथ रिस्पेक्ट टू डी तो ये आपको क्या मिल जाएगा टू डी प्लस का सिक्स ये आपको मिल जाएगा ई e की पावर माइनस थ्री एक्स ओके अब यहाँ पे आपको माइनस का थ्री माइनस का सिक्स प्लस का सिक्स फिर से आपको जीरो मिल रहा है तो फिर से आपको ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई दैट मीन्स एक्स की पावर टू और नीचे फिर से आपको डिफ्रेंसिएशन दैट मीन्स टू इन टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स ये आपको मिल जाएगा यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा रिक्वायर्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा ठीक है तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इन टू ई की पावर माइनस थ्री एक्स टोटली डिवाइडेड बाई टू तो ये आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू है सेकेंड आपका ट्रू ऑप्शन है ठीक है अब आपको पार्ट ए के क्वेश्चन पे आने हैं क्या है अब आपको आना है पार्ट ए के क्वेश्चन पे पार्ट ए के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर एट्टीन इफ ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो डिफरेंस है क्या है जो रेशियो है ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो रेशियो है वो फाइव बाई थ्री है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो रेशियो है वो आपको फाइंड आउट करना है ठीक है देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन रेशियो का क्वेश्चन है यहाँ पे कहता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो रेशियो है वो आपकी फाइव रेशियो थ्री है और आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रेशियो बताना क्या आएगा जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका सेवनटीन बाई फिफ्टीन आएगा क्या है सेवनटीन रेशियो फिफ्टीन आएगा अब यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो जाएगा ये आपका वर्क है ठीक है नेक्स्ट में आपको ऐसे ही कर लेना है इन दोनों का सम एजिक्वस टू दिस प्लस इसको एक्स मान लीजिए एक्स एजिक्वस टू आपको मिल जाएगा क्या देखिए इसको करती है ये आपको मिल जाएगा एट फोर ट्वेल्व फोर वन फाइव वन सिक्स और ये आपका फाइव थ्री एट ये रहेगा और यहाँ से सेवन सेवन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन माइनस एट थ्री सिक्स टू एट थ्री सिक्स टू यह आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी जो आपको मेंशन कर करी है क्वेश्चन मार्क से वो आपको एक्स आपने लेट किया है सब करेंगे जीरो जीरो और यहाँ से एट में से तीन जाएगा आपको क्या मिलेगा फाइव और ये आपका एट हो जाएगा क्या है ये आपका एट हो जाएगा मतलब एट फाइव डबल जीरो ये आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी मीन्स जो क्वेश्चन मार्क है वो ये रहेगा ठीक है तो यहाँ से आपका फिफ्थ ट्रू है ट्वेंटी क्वेश्चन आपका एक मिनट फोर्थ ऑप्शन ट्रू है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर एंड स्क्वायर इज एट एंड एट्टी रिस्पेक्टिवली दो नंबर्स है हम मान लेते हैं एक वो नंबर एक्स और वाई है क्या है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज एट एक्स माइनस वाई जी कोस टू एट और उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये आपका एट्टी है आपको क्या करना है दो नंबरों का सम मतलब एक्स प्लस वाई जी कोज टू फाइंड आउट करना है और इस टाइप से जो क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में पूछा भी जा चुका है, ठीक है? वहाँ पे सरते ये थी कि कांजुगेट, कांज क्यूटिव नंबर के ऊपर था, बट यहाँ पे सिंपली ऐसे ही नंबर है, ठीक है? तो यहाँ से आपको मिलेगा x minus y, x plus y, इजी कोस्ट वो आपको एटी हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको 8 into x plus y, इज और यहां से आपको x प्लस वाई जी कोस टू क्या मिल जाएगा 80 अपोन एटी जी कोस टू टेन वो जो दो नंबर है उनका जो सम है वो आपको कितना मिलेगा 10 मिलेगा और यहां से आपका कौन सा ट्रू ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रू ऑप्शन हो जाएगा ये रहा आपके कंप्लीट ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के टेस्ट का सोलूशन ओके